चाणक्य नीति के अनुसार इन दो गलतियों से ही इंसान का पतन तय है। चाणक्य नीति के 12वें अध्याय के 16वें श्लोक में उन दो गलतियों के बारे में बताया है जिससे किसी भी मनुष्य का जीवन पूरी तरह खराब हो जाता है। चाणक्य नीति में आचार्य कौटिल्य का कहना है कि हर इंसान को इन दो गलतियों से पूरी तरह बचना चाहिए। जो लोग बिना सोचे समझे और थोड़े समय के सुख के पीछे भागकर कोई भी काम करते हैं, उन लोगों को खास तौर से संभल कर रहना चाहिए। चाणक्य नीति का श्लोक अनालोच्य व्ययन करता चाणाथ कलह प्रिय आर्तः स्त्री सर्वक्षेत्रेषु नरः शीघ्रं विनश्यति 19। चाणक्य नीति के इस श्लोक में बताया गया है कि हमेशा सोच समझ कर ही कोई काम करना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार बिना सोचे समझे खर्चा करने वाला अनाथ हो जाता है, यानी एक समय के बाद ऐसे लोगों का कोई भी साथ नहीं देता। ऐसे लोग जीवन का बड़ा हिस्सा अकेले ही बिताते हैं। दूसरी गलती के बारे में चाणक्य नीति में कहा है कि झगड़ालू तथा सभी जातियों की स्त्रियों को पाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अनाप शनाप खर्च करने वाला, जिसका कोई भी अपना नहीं हो, जो झगड़ालू स्वभाव का हो तथा जो स्त्रियों के ही पीछे भागता रहता हो, ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही बर्बाद हो जाता है।